शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन से शहर के कलाकार पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कलाकारों ने नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे इन्हें एक ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पिछले एक वर्ष से लगातार शहर के कलाकार कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते आर्थिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन इन कलाकारों को अभी तक न्याय नहीं मिला। इन तमाम कलाकारों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में कलाकारों ने अपनी बातों को अवगत कराने के लिए नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे इन्हें एक ज्ञापन दिया, जिसमें कलाकारों का यह कहना है कि लॉकडाउन में कलाकारों के जीवन यापन की पर्याय व्यवस्था करने संबंधी जिलाधीश को ज्ञापन दिया। शहर के कलाकारों के पूरे प्रोग्राम बंद किए जाने से अब तक कई कलाकारों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है, तो कुछ कलाकारों ने आर्थिक बदहाली को लेकर जहर भी पिया है। इस मौके पर कलाकारों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आए दिन कलाकारों पर जिस प्रकार से भूख मर की नौबत आ पड़ी है, ऐसे में शहर के तमाम कलाकारों ने नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे साहब को एक ज्ञापन दिया है। आखिरकार ज्ञापन में क्या लिखा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, ये बताइए कि आप कलाकारों ने ज्ञापन क्यों दिया? सर, पिछले 12 महीने से जो हम तमाम जो कलाकार है, कलाकार में कहे गायक है, वादक कहे, डीजे वाले कहे, साउंड वाले कहे, लाइट वाले कहे, डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले, सारे के सारे लोग आज 12 महीने से अपने घर के अंदर में बैठे हुए हैं। किसी प्रकार की रोजी रोटी हम तमाम कलाकारों को हमको नहीं मिल रही है। किसी तरह से हमारे काम शुरू हुए थे, लेकिन फिर से हम तमाम कलाकारों पे लॉकडाउन की जो एक स्टैंप है वो हमको मार दिया गया है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमारे घर में अब खाने को भी नहीं है, तो वहाँ पर हम तमाम कलाकारों को सह परिवार आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई पर्याप्त हमें नज़र नहीं आ रहा है। आज ऐसी परिस्थिति में नागपुर शहर के हम सभी कलाकार जो कला क्षेत्र से जुड़े हैं, वो सभी लोग हम माननीय ठाकरे साहब को हम लोग यहाँ पर अपनी एक एप्लीकेशन हमने दिया है। हमने उनसे ये अनुमति करी है कि किसी तरह आप लॉकडाउन बनाए रखें, लेकिन एक रूल और नियम के साथ में जिस तरह मुंबई, पुणे, नासिक में आज कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी तरह नागपुर में भी हमारे काम यहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप हमें काम हमारे कार्यक्रम करने की अनुमति आप हमें अगर नहीं दे सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकाले, ऐसी कोई हमें काम दे जहाँ से हमारा घर चल सके। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम एक किसी से भीख तो नहीं मांग सकते, लेकिन अगर हमें रोजगार अगर नहीं मिला तो हमको कोरोना से भले ही ना मरे, लेकिन हम लोग भूखमरी से जरूर मरेंगे। हम लोग भूखमरी से मरना कोई ये मरना नहीं होता। इस समय में हमारे साथ में संजय भाकरे सर, सर आप बताइए कि कलाकारों पर कितनी बड़ी नौबत आ पड़ी है? नहीं, खरी गोष्ट है, पुन्हा दुसरं लॉकडाऊन सुरू झालं आहे 15 तारखेपासून, आणि मागच्या पूर्ण वर्षामध्ये सगळे कलाकार खरोखर अगदी भुके राहिलेले आहे। ज्यांची रोजीरोटीच कलावंताच्या भरोशावर, वादक म्हणून कला त्यांची रोजीरोटी आहे, अशा सगळे कलाकार खूप खाली आहेत। त्यांचं आर्थिक बाजू अतिशय कमजोर झालेली आहे, आणि पुन्हा हा नवीन लॉकडाऊन सुरू झाला आहे। तर आम्ही कलेक्टर साहेबांना एक विनंती केली की तुम्ही त्यांना जनजागृतीचं कार्यक्रम द्या सगळ्या लोकांना आणि मानधन द्या। इथं दिवसभराचे आम्ही जर 4-5 कार्यक्रम जर केले, तर 4,000-5,000 निमित्ताने जर मिळाले, तर प्रत्येक कलाकाराला कुठेतरी मानधन मिळेल। सरकारी माध्यमातून यांनी आमचं जीवन उर्जा पूर्ण करावं अशी विनंती केलेली आहे। आप क्या कहना चाहते? जिल्हाधिकारी ऑफिस में हम लोग करीबन 10 बार निवेदन दिए, लेकिन 10 बार निवेदन देने के बाद में हमें उप जिल्हाधिकारी से मिलने दिया जाता था, कलेक्टर साहब से मुलाकात होती ही नहीं थी हमारी। लेकिन आज जब हम लोग मजमा लेके आए हैं कलाकारों के साथ आए हैं, तो इन्होंने हमें कुछ शोर शराबा ना हो करके इन्होंने हमें कलेक्टर से मिलने की अनुमति दी, और कलेक्टर साहब ने हमारे साथ करीबन 10 से 15 मिनट बात किए, और उन्होंने आश्वासन दिए कि हम कलाकारों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। सर, अशा परिस्थितीमध्ये फक्त कलावंतांसाठी कलाकाराचं काम महत्त्वाचं आहे आणि ते सुरू होणं महत्त्वाचं आहे। आज ही परिस्थिती पूर्ण कलावंतावर येऊन गेली, त्यांच्याकडे खाण्याचं राशनसुद्धा नाही आहे। एक तर कलावंतांनी आमचं सरकारने आमचं काम सुरू करावं, नाहीतर मग आम्हाला 2 वेळेचं खाण्याची व्यवस्था करून द्यावी। एवढीच विनंती आहे शासनाला की कलाकारांना त्यांचं काम सुरू करू द्या आणि त्यांना जगू द्या, कारण कलाकार हा वाचला पाहिजे कलेच्या द्वारे, कलेच्या माध्यमाने। आणि बस आम्हाला आमचं काम सुरू करू द्या। जय कलाकार, जय कलाकार। तो कला एक छोटी से नन्ही सी बच्ची कलाकार है हमारे साथ में, बेटा आप क्या कहना चाहोगी? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी संदीप तामगड़े है। मैं एक बाल कलाकार हूँ और एक सिंगर हूँ। मैं मेरे पापा के साथ छोटे मोटे शो करती हूँ,
उसमें हमारा घर चलता है, लेकिन अभी जो बचे कुचे पैसे थे वो उससे हमारा घर चल रहा था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए। और हमारी जो मेरे भाई और मेरी स्कूल की फ़ीस है वो 30,000 है, तो हम अभी वो भर नहीं सकते। अगर हमने वो भरे नहीं हमने तो हमें स्कूल में एग्ज़ाम में नहीं बैठाया जाएंगे। तो मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि आप हमें शो करने की परमिशन दीजिए, या तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हम चार पैसे कमाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जानवी। तो आप थी जानवी जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि इनकी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हो रही है। एक कलाकार है, अच्छी कलाकार है, शहर की उम्दा कलाकार है, मगर लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग बंद है तो दाने दाने के लिए ये स्वाभाविक है कि सभी कलाकार भूखे मर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ध्यान दे और इन कलाकारों के लिए कुछ अच्छा करे, क्योंकि शहर के ये कलाकार वो कलाकार है जिनके नाम से नागपुर की पहचान पूरे विश्व में हो रही है, मगर जिस प्रकार से आज कलाकारों पे जो भूखमरी की नौबत आ पड़ी है उससे निजात दिलाने के लिए जिला अध्यक्ष, जिलाधीश, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हो या देश के प्रधान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हो, आप सभी को ये तमाम कलाकार यही अपील कर रहे हैं कि इनके चूल्हे जले, इनका स्वाभिमान जागृत रहे, इनको दो वक्त की रोजी रोटी नसीब हो और कार्यक्रम के माध्यम से ये अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। इसीलिए आप सभी ने ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर पे ज़िला प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार से कलाकार जो प्रभावित हुए हैं, जो बेरोजगार की कगार पे खड़े बड़ी संख्या में, आप थोड़ा पहन करके मुंह बताइए, देखिए कितने पैमाने पे यहाँ पे लेडीज़ कलाकार से लेके जेंट्स कलाकार, तमाम कलाकार यहाँ पे मैं कलाकार हूँ इस नाम का बैनर लगाते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। और जिस प्रकार से ये चाहे ये छोटी कलाकारा हो या बाकी के और भी क्षेत्र के कलाकार यहाँ पे आए हुए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।